हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जाट। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी ओपन एआई वालों की तरफ से बनाया हुआ एक टूल है जिसकी मदद से आप काफी सारे टास्क आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बस उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं और वो आपका काम आपके लिए करके देगा। आपको बस वहां से उसको कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करना है। जैसे आपको कोई आर्टिकल लिखना है, किसी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन या ज्वाइनिंग लेटर बनाना है किसी के लिए, या फिर आपको रिजाइन लेटर रेडी करना है रिजाइन डालने के लिए, ये सारे काम चैट जीपीटी काफ़ी आसान तरीके से आपके लिए कर देगा। चैट जीपीटी आज के समय काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको चैट जीपीटी को आखिर यूज कैसे करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि चैट जीपीटी को आखिर यूज करते कैसे हैं। अपने डेस्कटॉप पर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पर जाना है और चैट जीपीटी सर्च करना है। जैसे ही आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे उसके बाद आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको आना है API के ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली साइन अप कर लेना है। चैट जीपीटी में साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखाई देगा जिसमें कि आप बता सकते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए आप काम में ले रहे हैं या कोई क्रिएटर है। मैं यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएगा जिसमें एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए टेस्ट कितने कम्प्लीट हो गए, इमेज कितनी जनरेट हो चुकी है, कोड वगैरह, इसकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हमें यहाँ पर सिंपली इसको ट्राई करके देखना है। तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर आएंगे आपके पास प्लेग्राउंड में जाने के बाद आप यहाँ पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो हाउ आर यू लिखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं क्या जवाब देता है ये। तो ये जैसे लिखकर हमने यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू आस्किंग हाउ डू यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह है जो आप सवाल दे सकते हैं। अब इसको हम काफ़ी थोड़ा हमारे काम की चीज़ है वो करवा कर देखते हैं जो ये कर पाता है कि नहीं। इसे WRITE राइट ए एप्लीकेशन फॉर लीव, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद देखते हैं हमारे लिए क्या एप्लीकेशन लिख के देता है। डियर मैनेजर, ये आपको पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो लिख कर दे देगा। उसके बाद आपको केवल यहाँ पर जैसे मैनेजर नेम की जगह मैनेजर नेम लिखना है वगैरह वगैरह, बाकी सारा फॉर्मेट आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना। इसको करने के अलावा हम यहाँ पर इसको अंडो कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको किसी भी जो हमें जवाब मिला है उसको हम यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लीव करके यहाँ पर सबमिट किया था, जो मेरे पास जो एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट आया था उसको हम यहाँ पर एक बार रीजनरेट करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है इस वाली एप्लीकेशन में और फिर से रीजनरेट करते हैं हम उस एप्लीकेशन में। देखिए इस बार अलग से आई है, पहले अलग आई थी, और इसके बाद इसके अलावा हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या लिख के देता है। तो कुछ इस तरह से हमें ये फिर से लिख के दे रहा है कि कितने दिन की क्या छुट्टी चाहिए वगैरह। पूरा फॉर्मेट बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज है पिछली वाली एप्लीकेशन से। तो इस तरीके से आप इससे एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। हमें एक आर्टिकल लिखवाना है इससे, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे क्या, राइट ए आर्टिकल ऑन, जैसे पॉलिटिक्स पे लिखवाना है तो पॉलिटिक्स हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिक्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे डिलीट करना है। योर टेक्स्ट एंड इज टेलिंग स्पेस विच कोज ए रॉन्ग परफॉर्मेंस, देखने यहाँ पे कोई नहीं आएगी ग्लोबल वार्मिंग सॉरी मैंने गलत चीज लिख दी, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ऐसे है वो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग पे ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखवा रहा है और इसको आप बिल्कुल रीजनरेट कर सकते हो, फिर से लिखवा सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल और बिल्कुल सटीक तरीके से आपको लिखकर देता है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यही नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही सारी चीजें बताएं और ये इंग्लिश में ही आपको जवाब दे, इसके अलावा आप इसको हिंदी में और अदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको हिंदी में यूज कर सकते हैं। राइट ए ऐसे, राइट ए ऐसे
कौ, देखते हैं क्या जवाब देता है। तो ये हमें जवाब देगा, वो यहाँ पर टाइप हो गया जाएगा, गायों की अहमियत, गायों के लिए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। ये पूरा हिंदी में लिख के आ रहा है जबकि मैंने इसे इंग्लिश में पूछा। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं इसे पहले कुछ सवाल हिंदी में पूछ रहा था और जब मैंने अगला सवाल इंग्लिश में पूछा तो उन्होंने हिंदी में रिप्लाई दिया, क्योंकि वो चीज़ उन्हें डिफॉल्ट के अंदर आ चुकी है कि किस तरीके से मैं कौन सी लैंग्वेज में इसको पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इंग्लिश में अभी यहाँ पे पूछता हूँ, ठीक है? तो राइट ए से उन काउ इन इंग्लिश, अभी ये हमें इंग्लिश में ऐसे लिख के देता काउ के बारे में। अब इसके बाद हम जो भी चीज पूछेंगे वो इंग्लिश में लिख के देगा, क्योंकि हमने एक बार लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ले ली है, कोई भी सवाल इंग्लिश में पूछ कर, ठीक है? अभी जैसे इंग्लिश में आ गया, अब हम कुछ भी पूछेंगे इसको बिल्कुल इंग्लिश में जवाब देगा। एक तरीके से इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि इंग्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको कुछ भी पूछता हूँ इसको, जैसे देखते हैं। राइट ए मैन फॉर ज्वाइनिंग, देखते क्या जवाब देता है। ये आ गया पूरा ज्वाइनिंग ए न्यू कंपनी। इन्होंने पूरा सेंटेंस खुद से फिनिश किया है, उसके बाद इसने एप्लीकेशन या जो लेटर है वो लिखना शुरू किया है और पूरा लिख के दिया हमको कि किस तरीके से एक ज्वाइनिंग लेटर लिखा जाता है। ये फॉर्मेट आपको बस उठाना है और चेंज करके थोड़ा सा नाम वगैरह डाल के ज्वाइनिंग लेटर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप इसको चैट जीपीटी को काफी आसान तरीके से यूज कर सकते हैं काफी सारी चीजों के अंदर, और इसका एआई हमें काफी सटीक जवाब देता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 तक का डाटा इसको ट्रेन किया हुआ है, तो इसके बाद की जो भी घटनाएं है इसको कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल गलत जवाब देगा। कि चैट जीपीटी के अलावा और भी जो एआई ट्यूबल है वो कौन कौन सी है और क्या क्या काम में अपन उनको ले सकते हैं। जैसे कि एक है क्लोसिन क्रिएटर, ये जो टूल है काफी शानदार है। इसकी मदद से आप स्क्रिप्ट देना है आपको, सिर्फ इसको यहाँ पे दीजिए, जैसे आप क्रिएट ऑन एआई पे क्रिएट कीजिए, क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपको इसको सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट देनी है। और जैसे आप इसको अपनी स्क्रिप्ट देंगे, जैसे माय नेम इज राम, उसके बाद आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं प्रोसेस। माय नेम इज राम, ये देखिए इसका पूरा जो था स्क्रिप्ट मॉडल वो इसने बता दिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो है सिंथेसिया, ये भी काफी अच्छा टूल है। इसमें भी आप स्क्रिप्ट देकर एआई वीडियोस बना सकते हैं, चाहे वो भी यूट्यूब के हो, चाहे किसी प्रेजेंटेशन के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, किसी भी लैंग्वेज में। करीब 60 से 120 लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये सिंथेसिया, और कोलोजन करीबन 60 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उनमें आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टूल है वो है डिजाइन क्रिएटिव वर्क, design.ai, ये काफी शानदार टूल है। इसकी मदद से आप क्या क्या बना सकते हैं मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ पे आप लोगो बना सकते हैं एआई के द्वारा, वीडियो बना सकते हैं, डिजाइन्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह। इसके अलावा आप यहाँ पे जो वॉइस है, सर्च वॉइस स्पीच वगैरह है, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इसकी मदद से। इसका आपको बिल्कुल 30 दिन का बिल्कुल ट्रायल मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंथेसिया, design.ai इन पे प्रॉपर पूरा का पूरा वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं अगला वीडियो इन पे पूरा का पूरा ला सकूं। और आप इन वेबसाइट को चेक कर सकते, आप देख सकते हैं कि आपके अगर कोई काम की है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।